गार्डन का गेट ऑफ इंडिया। सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खाते पीते उठते बैठते चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त मौज मजे में मस्त। अभी है अपन अमरावती वाले घर पे और कुर्रा से अपन आ गए। पार्टी वाला फॉर्म, पार्टी वाला व्लॉग आपने देखे होंगे। तो कुर्रा में मैं जब था तो हमारे जो वहाँ पे पड़ोसी बच्चे हैं वो बड़े इच्छक है और बहुत हंसी है, खुश मिजाज है, वो आकर खेलते तो उनकी मस्ती अपन ने कैप्चर कर ली अपनी कैमरे। ये घर है अपने ना, चूहों का घर है। ये देखो चूहे ही निकल रहे, चूहे। पानी खत्म, पानी गया, पानी खुल गया, पानी खुल गया, धूप आ गई, धूप आ गई। आइसक्रीम ला, ला दो आइसक्रीम, दो ये लो, पैसे लो, आइसक्रीम लो, आइसक्रीम। हाँ ये पॉकेट में बराबर रखते भैया, ये वाले भैया भाई। हाँ ये आइसक्रीम, आइसक्रीम मिल गई। हाँ वापिस ही मिल गए पैसे। इधर लो, इधर 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 यहाँ पे दो। हाँ हाँ लो, ये लो पैसे लो। हाँ ये भी जेब में रख रहे बराबर आप। मीठी नहीं है आइसक्रीम, मीठी नहीं आ रही है अब, खट्टी खट्टी ला रहे। अच्छी लाओ, जाओ अच्छा माल लाओ जरा सा। हाँ अच्छा माल ला दो, ये अच्छा माल आ गया। लाओ 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 डालो, अच्छा माल दो लाओ। ला भैया चटाई वाले भैया इधर आओ, आओ भैया इधर। कितने की है भैया चटाई? ये 20 रुपए की। कौन सी चटाई है? अच्छा बड़ी बड़ी है क्या, छोटी है? नहीं उनकी, हमारे को उनके पास से लेना, हम हमेशा इनके पास से लेते भैया के पास। भैया बस भैया बताओ ना तो गिर जाते कि तुम बताते बताते बस। हाँ इतनी बड़ी है ना, और अच्छी कंपनी की है ये। वाह क्या सीन है इसकी, तो बहुत दिनों तक चलेंगी ना कि फट जाएंगी? फट जाएंगी, फिर नहीं होना हमको, फट जाएंगी तो। ओ भैया फिर नहीं होना हमको, वो नहीं फटती तुम्हारी? नहीं, और तुम्हारा मजबूत है वो तो। भैया तुम्हारी चटाई मजबूत नहीं है क्या? अजबूत नहीं, मजबूत मजबूत है, दोनों की भी मजबूत है। फिर हमने किसके पास से लेना? नहीं टूटी भी नहीं, अच्छी है उनके पास की भी। तो ये चटाई कितने की दे रहे तुम? 5 रुपए की नहीं, सिर्फ 5 रुपए की। हाँ। इतनी सस्ती, उनको तो 20 रुपए की बोले तुमने, उनको 20 की दी है वहाँ पर। ऐसा घुमा रहे तुम? नहीं भाई तुम बहुत फ्रॉडर दिख रहे हमको, भैया के पास से लेते हम। भैया आओ इधर, भैया ये चटाई बेच रहे वो तुम्हारी हो ना हमारे को, इधर आओ। ये देखो हाँ 4 रुपए में।
अच्छी है क्या? फटी हुई तो नहीं है अंदर से? नहीं फटी नहीं है। बताओ बोलो, हमको बताओ बोलो खोल के। आओ जाओ भैया, तुम धंधे बदलते रहते हैं ना, पहले कांडी बेचते थे ना तुम? अबे यार छोड़ दिया उन्होंने। वो छोड़ दिए कि तुमने? चटाई बेच रहे भी है ना? अच्छा ये लो, अच्छी चटाई है ना? ठीक है लाओ दे दो, लाओ दे दो, पैसे बाद में देंगे हम। हाँ अभी पैसे है ही नहीं। पैसे मत दो तुम। क्यों? ये अच्छी है, ये अच्छी है। ये भैया आ गए हमारे भाई, तुम्हारी तुम्हारी चटाई नहीं होना हमको। ये हमारे भैया आ गए, कितने रुपए में? नहीं फटी हुई नहीं है, अच्छी है। फटी हुई फटी हुई फिर नहीं होना हमको। नहीं अच्छी है, अच्छी है बोलते, अच्छी है बोलते। हाँ लाओ बस, खोल के मत बताओ, बार बार खोल के बता दे गिर जाते तुम। हाँ पैसे, पैसे कितने हो, पैसे कितने हो गए? कितने रुपए हो गए? नहीं नहीं फ्री में नहीं होता हम भैया, फ्री में नहीं लेते हम भैया। हम ऐसे थोड़ी लोग हैं, हम पैसे देते मेहनत के। कितने रुपए देना हो तो इसमें? चटाई कितने रुपए की होगी? चटाई चटाई कितने रुपए की होगी? 50 50 रुपए की। हाँ ये लो ये लो ये लो, 50 रुपए डाल देना इसमें, वापिस दो। सौ की नोट दी हमने, 50 वापिस दो, 50 वापिस दो, 100 की नोट दी हमने। हाँ हाँ रुको, वो दे रहे भैया, ये जेब में से निकाल के 50। ठीक है ठीक है भैया जाओ, वो वाली वो अंकल को भेज दो जाओ। नहीं तुम्हारी नहीं होना हमारे की, तुम्हारे पास ले लिए ले लिए, जबरदस्ती के दे रहे तुम्हारे, ले लिए। ठीक है ठीक है, ओके ओके। और ये जो आपको अपना हेडफोन जो दिख रहा, तो ये MI का हेडफोन है, अपन ने लिए थे 400 रुपये में 1.5 साल पहले। अभी तक चल रहा, बढ़िया सर्विस दिया, सिर्फ थोड़ा सा उसको फोल्ड ओल्ड करने के चक्कर में यहाँ पर इधर में थोड़ा सा इधर वो थोड़ा सा स्क्रैचेस पड़ गए थे, मतलब खन गया था। तो वो खनने की वजह से हमने जो काला कौवा इस पर बैठा हुआ दिख रहा, तो ये काला कौवा है ब्लैक सेलो टेप टेपट्टी। हाँ तो सर अपन ने वो भाई बढ़ने को नहीं होना, तो अपन ने उसको ज़रा सा ऐसा स्क्रॉल कर दिए, रोल कर दिए, गुण दिए, तो उससे वो सेफ है। एक छोटा काला कौवा, एक कौवे का बच्चा यहाँ पर भी है, तो एक ये कौवा और उसका बच्चा, ये दोनों अपन ने बांध के रखे ताकि ये बढ़े ना। क्योंकि आपने वो कहावत सुनी होंगी, बंदर की ढूंगन को वह फोड़ा और खुजा खुजा कर करा बड़ा। तो इसको हुआ था थोड़ा सा जख्म, तो मैंने बोला उसको थोड़ा सा अपन सेलो टेप करके स्क्रॉल कर देते ताकि वो बढ़े ना, तो अपन ने कर दिया। और अभी तक वो दो चार महीनों से फिर भी अच्छा चल रहा और अभी बढ़िया सर्विस दे रहा। तो ठीक है अपन अब चलते गार्डन की तरफ, और तुमको मैं गार्डन का बताता थोड़ा कैसा क्या है। तो और अभी टाइम हो रहा है, दो भाई अपन जा रहे हैं अभी गार्डन के लिए थोड़ा सा शूट करने के लिए। तो चले गेट खोलते हैं। अरे गेट से थोड़ा सा याद आया, क्या जो गेट है तो गेट की ईद अभी तक हुई नहीं, और गेट पे जो क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक लगी हुई दिख रही है आपको, तो ये मेरा ख्याल से अभी अगले महीने में बोल रहा है इसका ज़रा सा काम कराने का, पूरे घर को कलर वलर कराने का। देख सकते हैं अभी भी थोड़ा ख़राब हो गया, तो उसकी अभी ईद होने वाली है घर की, लेकिन जब तक उसे वेट करना पड़ेगा। और आप जो ग्रीनरी ये देख रहे हैं, फिर से हरे हो गए, हम जिंदे हो गए, हमारे आके पेड़ एक नया जन्म मिला इनको, पौधों को। तो ये बरसात के पानी की वजह से है, तो इस तरह से इधर का सीन है देख सकते हैं। चलो चलते हैं अभी गार्डन की तरफ। मेरे खूबसूरत से मोर के जैसे पैर देख सकते हैं आप। और ये मेरा दोस्त मिला है, हाय डॉगी। अब क्या रे भाई, बल्कि घुर्रट दिख रहे थे तू? घुर्रट मतलब घमंडी एटीट्यूड। मैंने पहले बोला था आपको कि मैं इंग्लिश के वर्ड, गौरानी वर्ड आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊंगा कि कॉलोनी के जो नज़ारे होते हैं, सुनसान गली परेशान रोड, ये शहर है अमन का मन का। अरे इतना अमन भी अच्छा नहीं है ना दादा, कुत्तों के अलावा कोई नहीं दिख रहा ना रोड पे देखो। और यहाँ लाखों के घर है, लाखों के, लेकिन सब अपने अपने घरों में। पिछले व्लॉग में आपने गार्डन देखा होगा, उसका नज़ारा कुछ अलग था, लेकिन अब जो बता रहा हूँ मैं
अब का नज़ारा कुछ अलग है। और यहाँ पर हमारे अंदर था और आसिम शेख तशरीफ ला चुके हैं हमारे गांव के, और व्लॉग चालू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे टर्न मार लिया उन्होंने घर के तरफ, वहाँ से आवाज़ दी मेरे को। वही गार्डन का गेट ऑफ इंडिया मस्ती कुएक जैसा पिंजरे वाला ये गेट, ऐसा लगता है शेर को कौन थे रात में। और गाइस देख सकते हैं आप कि गार्डन के गेट के बिल्कुल सामने एंट्री जो हो रही, तो यहाँ सजाई इन्होंने डेकोरेट किए दोनों साइड से, पाल्म ट्री लगाए उस गेट तक लास्ट तक, जूम करके बताता हूँ आपको, देख सकते हैं आप गेट है। तो ये रास्ता जो बनाया उन्होंने आजू बाजू पाल्म ट्री लगा दिए, और वो जो आपको लास्ट में झूले दिख रहे हैं तो वो झूले पहले लेफ्ट साइड में थे, अभी गार्डन के राइट साइड में आ गए। और पीछे अपनी बिल्डिंग दिख रही है आपको अपनी, जो क्या जा रहा है उठा था कभी, और इधर का भी घास साफ कर दिए पूरा ग्रास, क्योंकि यहाँ पे वॉकिंग करने के लिए जो लोग आएंगे तो ये चारों तरफ ऐसा घूम के वो उधर से आकर पूरा ये शायद इधर का भी ग्रास साफ करने वाले हैं ताकि अच्छे से वॉकिंग और रनिंग हो। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो हम गार्डन के थोड़ा आगे आ गए तो यहाँ पर इन्होंने एक यहाँ से ईंटों का राउंड बनाया और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये पौधे लगाए, मुझे पता नहीं है पौधे किस चीज़ के। और आगे ये वाला पौधा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है वैसे देखने में। और वहाँ पर एक बेंच भी रख दी है बैठने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बुज़ुर्ग और एजेड लोग ज़्यादा आए थे तो उनके लिए बैठने के लिए कुछ होना। और यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने ईंटों की ऐसी बॉर्डर बना के उसके अंदर मेहंदी के पौधे लगाए, और ये बड़े बड़े पौधे साइड से, और बीच में पूरी ग्रास लगाए, ये आर्टिफिशियल ग्रास है। तो लेफ्ट साइड पूरी सजा दी है इन्होंने, डेकोरेट करवा दी, लेकिन उस साइड छोड़ दी। आज खाली था तो सोचा व्लॉग ही बना लेते। और भाई बेस्ट पार्ट है ये गार्डन का कि यहाँ पर ज़्यादा लोग आते नहीं है, सिर्फ कॉलोनी के हमारे कॉलोनी के हमीश लोग आते हैं, हमारा ही राज है इस गार्डन पे। बढ़िया कम में वम, नो टिकट नो कुछ भी नहीं। और ये है जो नीम का पेड़, ये बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर बैठने के लिए बॉर्डर भी है। मस्त छोकरे हमारे यहाँ पर बैठ के पबजी खेलते, और कोबरा वाली भी है। तो जो अपना हार्ट कोबरा, पट्टे का कोबरा, बाबुल का कोबरा, नागपुरी कोबरा, मस्त बाबुल करके यहाँ पर थूकना। चलो आ गए अपन घर के पास, घर पे चलते अभी। आसिम भाई, आसिम शेख हमारे खास दोस्त, मैं तुमको उनकी खासियत बता देता कि एक वो है पेंसिल आर्ट आर्टिस्ट, तो उनका आर्ट देख सकते हैं आप यहाँ मेरे पास मौजूद है। ये आपको पेंटिंग दिख रही है, ये बनाए हमारे आसिम खान साहब ने, तो ये अख्तर लाला साहब की पेंटिंग है। तो इन्होंने जो बनाए तो ये इनके खुद के हाथों से, और ये पेंसिल का कमाल है, इसमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं मौजूद है। तो बढ़िया, हमारे आसिम भाई का इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल है, सॉरी यूट्यूब चैनल है आसिम आर्ट करके, तो आप उनको फॉलो करो इंस्टा पे, और यूट्यूब पे उनके चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर कोई ऑर्डर होगा या आपको किसी को गिफ्ट देना होगा या प्रेजेंट देना होगा ऐसी स्केच बनाकर, तो आसिम भाई से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं उनकी आईडी या फ़ोन नंबर मेंशन कर दूंगा इस व्लॉग में, तो आप डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने बीच में रब्ता ही नहीं रहेगा, कमीशन वाला काम नहीं रहेगा। और अभी उनके धंधे की बात हो रही है तो वो बहुत साइलेंट बैठे होने, तो बहुत खुच्चर चाली करते। तो भाइयों बहनों, ठीक है, हम मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और भाइयों बहनों सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।